नोटिफिकेशन और बहाली की बात कर रही है और अभ्यर्थी सेम है, मुद्दा सेम है, तो सर हम लोग मिल करके आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? और ये हमारा अधिकार है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम एलिजिबल हैं, ये हमारा अधिकार है और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा अपना हम अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और हम लोगों का नियुक्ति सुनिश्चित करना गवर्नमेंट का काम है और बोला भी गया है कि आप लोग जितने भी क्वालिफाइड हैं सबकी नियुक्ति सुनिश्चित है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का नियुक्ति सुनिश्चित करें। कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज सीट को बढ़ाकर, अगर सीट नहीं है गवर्नमेंट को अभी तो सीट को बढ़ाकर सबकी नियुक्ति 7th फेज में, एक चरण में सबका नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। जितने किसी सीटेड पास अभ्यर्थी हैं, हम इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि पूरा परमंडल वाइज यात्रा करके आए हैं सर, थके हुए हैं। सोचिए कि 2-4 लोग के वजह से जिसका 60% होगा, सुनिए मुद्दा समझाने दीजिए हमको, 60% और 65% होगा उसका कैसे होगा? स्टेट का जब तक साथ नहीं आवेगा, जिसका स्टेट में हो जाएगा 70 वाला का, तो सीटेट वाला का 60% में भी हो जाएगा। कुछ लोग जाहिर लोग प्रवृत्ति के हैं जो सोच रहे हैं कि प्राइमरी में सिर्फ पास है, ध्यान दीजिएगा बात को, सिर्फ प्राइमरी में पास है और 75% है, तो सोच रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा तो हमारी बहाली तय है। तो एक दोस्त के बहाली के चलते पूरा बिहार का भविष्य क्यों खतरे में डालें? नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। STT अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते हैं और लगातार तमाम अभ्यर्थियों को एकजुट करने में लगे हैं। देखिए 9 तारीख को तमाम STT के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का आंदोलन होने वाला है, जिसको लेकर एकजुट हो रहे हैं कुछ क्वालिफाइड अभ्यर्थी है। कुंदन है हमारे साथ, कुंदन से सबसे पहले बात करेंगे, क्या कहिएगा कुंदन? लगातार नमस्कार साथी। हाँ सर, हम लगातार आज 15 दिन से परमंडल वाइज परमंडल, जिला वाइज पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और गर्दनी बाग पहुँचे हैं भ्रमण करके। 7 तारीख आज है, सीटेट वाला समर्थन मांगे थे आज हमें 7 मई को, और उनका मांग था कि सर साथ साथ आंदोलन करेंगे, लेकिन आज इनका कुछ 2-4 लोग को मांग बदल गया है। 2-4 लोगों का बताइए, जब एस्टेट और सीटेट अभ्यर्थी सेम है, पूछिए इसमें सब एस्टेट और सीटेट पास है सर? सीटेट पास है, माइक नहीं पकड़ा, सीटेट पास है, पास है सर, 11 से पास है। तो जब जितना सारे तमाम अभ्यर्थी हैं जो एस्टेट और सीटेट सभी पास हैं, तो बताइए कि एस्टेट और सीटेट जब अभ्यर्थी सेम है, मांग सेम है, और सचिवालय में अभी हम लगातार संजय सर आज जाने वाले हैं, संजय सर का आज ट्रांसफ़र तबादला हो चुका है, नए अपर प्रधान सचिव आ रहे हैं शिक्षा विभाग का, तो उनसे हमारी बात लगभग बैठ करके आज आधा घंटा हुई, मनोज सर से भी बात हुई, रवि प्रकाश जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं उनसे भी बात हुई। जब कह रहे हैं कि दोनों का जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो साथ साथ आएगा, इस सरकार सिर्फ साथ साथ, जब सरकार जब नोटिफिकेशन और बहाली की बात कर रही है और अभ्यर्थी सेम है, मुद्दा सेम है, तो सर हम लोग मिल करके आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? सीटेट अभ्यर्थी और इस बात को स्टेट अभ्यर्थी समझने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 9 मई को आइए, 9 मई को स्टेट सीटेट कंबाइन आंदोलन है, स्टेट सीटेट को जब देखिए, कुछ लोग जाहिर लोग प्रवृत्ति के हैं जो सोच रहे हैं कि प्राइमरी में सिर्फ पास है, ध्यान दीजिएगा बात को, सिर्फ प्राइमरी में पास है और 75% है, तो सोच रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा तो हमारी बहाली तय है। तो एक दोस्त के बहाली के चलते पूरा बिहार का भविष्य क्यों खतरे में डालें? जितने किसी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, हम इतना आज फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि पूरा परमंडल वाइज यात्रा करके आए हैं सर, थके हुए हैं। सोचिए कि 2-4 लोग के वजह से जिसका 60% होगा, सुनिए मुद्दा समझाने दीजिए हमको, 60% और 65% होगा उसका कैसे होगा? स्टेट का जब तक साथ नहीं आवेगा, जिसका स्टेट में हो जाएगा 70 वाला का, तो सीटेट वाला का 60% में भी हो जाएगा, जिसका हाई स्कूल में हो जाएगा वो प्राइमरी क्यों ज्वाइन करेगा? क्यों ज्वाइन करिएगा? आप अपना नाम बताइएगा। अश्विनी कुमार नालंदा से। नालंदा से आए हैं, 9 तारीख को आंदोलन होने वाला है STT क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का, क्या कहिएगा, कैसी तैयारी है 9 तारीख को लेकर? सब आए और सब लोग साथ दें, सीटेट हो या बीटेट हो या एसटेट हो, सब अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं। यस सर, सब आए, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके सब लोग आंदोलन में आए साथ में, 9 तारीख को सब मिल के आए, कई मुद्दा एक है, सब मिल के आए, कई मुद्दा एक है, आएगा तो सबका आएगा और ऊपर से होगा जिसका, अगर सीटेट का जिसका होल है सबको साथ है और सब 9 तारीख को आके आंदोलन। और भी कुछ STT के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्या नाम है आप? संतोष कुमार, सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से आए जी। 9 तारीख के आंदोलन को लेकर कैसी तैयारियां हैं, क्या होने वाला है? 9 तारीख को आंदोलन हम लोग स्टेट सीटेट दोनों एक साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज भी उसी के सिलसिले में सीटेट एस्टेट दोनों है, सीटेट और बीटेट सभी लोग एक साथ आना चाह रहे हैं और आकर 9 तारीख को मतलब ये किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा और सभी साथियों से निवेदन पूर्वक यही कहना है कि 9 मई को जरूर से जरूर आए, किसी भी काम को सब काम छोड़ छाड़ को आने की कष्ट करें। सुशील जी, क्या कुछ तैयारियां हैं 9 तारीख को आप लोगों का, STT क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का आंदोलन होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है?
सबसे पहले तो एसटीईटी 19 के अभ्यर्थियों की तरफ से अभिषेक जी एंड आपके पूरे टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे मुद्दा को हमेशा उठाते हैं, और इसलिए उठाते हैं ताकि हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंच सके और लोगों का भला हो सके, कैंडिडेट का भला हो सके और सब लोगों का नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए एसटीईटी 19 कैंडिडेट आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे। और जहाँ तक बात है 9 मई का हम लोगों का एसटीईटी 19 का आंदोलन है, जिसमें बिहार के 3800 डिस्ट्रिक्ट से जो कैंडिडेट हैं उनको हम आह्वान करते हैं कि जो भी हमें सुन रहे हैं या जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी जैसे भी न्यूज़ मिलता है आप लोग यहाँ पे 10 बजे आइए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1-2 घंटा इकट्ठा होकर हम लोग सचिवालय के लिए मूव करेंगे और वहाँ अपनी जो मेनली 2 डिमांड है कि हम लोगों का जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है कैटेगरी वाइज सीट वाइज सबका नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, जैसा कि 12 मार्च को 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री के द्वारा संजय सर, अपर मुख्य सचिव संजय सर और उसके बाद शिक्षा विभाग के जो अध्यक्ष हैं, शिक्षा विभाग बीएसईबी के जो अध्यक्ष हैं उनका ये आनंद किशोर सर और इन लोगों के प्रजेंस में बोला गया था, उस चीज़ को फॉलो करें, अपने पद की गरिमा को रखें और ये हमारा अधिकार है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एलिजिबल हैं, ये हमारा अधिकार है और हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और हम लोगों का नियुक्ति सुनिश्चित करना गवर्नमेंट का काम है और बोला भी गया है कि आप लोग जितने भी क्वालिफाइड हैं सबकी नियुक्ति सुनिश्चित है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का नियुक्ति सुनिश्चित करें कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज सीट को बढ़ाकर, अगर सीट नहीं है गवर्नमेंट को अभी तो सीट को बढ़ाकर सबकी नियुक्ति 7th फेज में एक चरण में सबका नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, जिसके लिए 3800 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैंडिडेट हमें सुन रहे हैं उन सबका आना आवश्यक है, क्योंकि आप एक एक कैंडिडेट बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसा कि अब बड़ी पुरानी कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी तरीके से हर एक कैंडिडेट हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम खुद इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सभी लोग आइए और इस महा आंदोलन का जो आगाज 9 तारीख को किया जा रहा है एसटीईटी कैंडिडेट की तरफ से उसको सक्सेसफुल बनाइए और अपनी बातों को प्रमुखता से रखिए ताकि ये गुंगी और बहरी सरकार हमारी बातों को सुन सके और समझ सके। बिल्कुल, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि तमाम एसटीईटी के अभ्यर्थी एक साथ आएँ या फिर सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी एक साथ आएँ, क्योंकि आंदोलन एक साथ करेंगे तो जल्द से जल्द बहाली होगा। देखिए, तमाम अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि बहाली हमारा जल्द से जल्द हो, लगातार आश्वासन मिलता है, लगातार बिहार के अलग अलग जिले एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी जा रहे हैं लेकिन बहाली जो है वो अभ्यर्थियों की नहीं हो रही है। फिलहाल लगातार आश्वासन मिल रहा है शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री हो या फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हो, लेकिन बहाली जो है वो इन अभ्यर्थियों को नहीं मिल रही है। 9 तारीख को आंदोलन होने वाला है, अब देखना ही होगा कि 9 तारीख के आंदोलन में क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।